वैदिक काल है उसको दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक ऋग्वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम ऋग्वैदिक काल की जो परिस्थिति उसको समझ रहे हैं, और ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का है। तो साथियों, हमेशा जो परिस्थितियां होती हैं, जो समाज का जो आर्थिक स्ट्रक्चर होता है उसी के हिसाब से सामाजिक परिस्थितियां होती है। जैसे हमने पहले बताया कि आर्यों का जो जीवन था वो पशुपालन से जुड़ा हुआ था। समझना यह है कि इसमें मुख्य रूप से कोई भी विकृति नहीं थी समाज में, कबीलाई समाज था, किस कोई विकृति नहीं थी, सारे मिलजुल करके रहते थे, कोई आपस में भेदभाव नहीं था, महिला पुरुष में ज्यादा भेदभाव नहीं था, महिलाओं को भी सारे अधिकार थे। और ये जो वर्ण व्यवस्था उस समय थी, वर्ण व्यवस्था का उस समय शुरुआती दौर था, इसलिए वर्ण व्यवस्था उस समय जाति के आधार पर नहीं थी, काम के आधार पर थी। जो जो काम करना उसको उस वर्ण का घोषित किया। उस समय केवल तीन ही वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र बाद में जोड़ा गया, और शूद्र तब जोड़ा गया जब जो है अनार्यों के साथ आर्यों का जो है विवाद युद्ध हुआ। वो युद्ध होने के बाद जो अनार्य थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो यहाँ पहले से रह रहे थे, जो संस्कृतियां थी उससे वो लोग इनकी संस्कृति के साथ जुड़े, और इनकी संस्कृति के साथ जो लोग जुड़े उनको उन्होंने बाद में चौथे वर्ण के रूप में, शूद्र के रूप में उनको जोड़ा। वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के अंदर जो दसवां मंडल में जिक्र है, जो सबसे आखिरी है और बाद में जोड़ा गया, ये 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय मान सकते हैं, और ये इसको बाद में जोड़ा गया तो 600-500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, जब ये वर्ण व्यवस्था जो है एक सुचारू रूप से सामने आई। और इसमें ये इसी मंडल में ये कहा गया है कि जो है ये ब्रह्मा से के मुख से पैदा हुए, और पेट से पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए, तो ये सारी जो पैरों से पैदा हुए सूत्र, तो ये जो सारी परिकल्पना धर्म के साथ इसको अटैच किया गया, ये छठवीं या पांचवीं शताब्दी के आसपास ये थ्योरी लाई गई। ये हमको इस ऋग्वेदिक जो कार्यकाल है इसको समझने से साथ ही आता है। इसके साथ ही साथ ही जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति ठीक थी, जैसे मैंने आपको बताया उपनयन करके एक संस्कृति थी। उपनयन का अर्थ होता है कि जो भी लोग उसमें पढ़ने के लिए गुरुकुल में, शिक्षा कुल में जाते थे, उनका उपनयन संस्कार होता था। और उपनयन संस्कार उस समय महिलाओं का भी, बच्चियों का भी होता था, और बच्चियां भी पढ़ने के लिए जाती थी, जो बाद में पढ़ लिख करके विदुषी बनती थी, जो ऋषियों का एक, पुरुषों को ऋषि कहा जाता था और महिलाओं को विदुषी कहा जाता था। तो इसका जिक्र भी ऋग्वेद के अंदर है। साथ में महिलाओं की जो एक नियोग प्रथा करके थी, नियोग प्रथा का मतलब ये था कि यदि कोई महिला का पति का डेथ हो जाए तो उसके जो देवर है उसके साथ उसका विवाह किया जाता था, और एक विवाह जब तक रहता था जब तक जो है उसको एक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए, उसके बाद से ये विवाह स्वतः खत्म हो जाता था। महिलाओं को बहु विवाह करने की भी छूट थी, महिलाएं एक विवाह की जगह बाद दूसरा विवाह भी कर सकती थी, तीसरा विवाह भी कर सकती थी। उसके साथ में हमको ये समझना है कि महिलाओं को बहुपति विवाह प्रथा भी थी, मतलब एक महिला के 4-5 पति भी हो सकते थे, इस तरीके की छूट थी उस समय की जो समाज में थी महिलाओं के लिए। तो महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी उस समय में। दहेज प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, इस तरीके की कोई भी कुप्रथा नहीं थी साथियों। और साथियों ये भी समझना है कि इस समय जो है सूदखोर भी आ गए थे, सूदखोरी भी होती थी, चोर भी थे जो गायों को चुराते थे, तो ये सारी व्यवस्था थी। अभी राजनीतिक जीवन में मैं और विस्तार से इसको बारे में आपको बताऊंगा। और उस समय जो है जो सोम का जिक्र है, जिसमें मदिरा और सोम के बारे में भी कहा गया है, तो ये भी समाज में चलता था उस समय। जो मदिरा था वो सब छोटे लोग, वो सोम जो था वो देवता लोग पीते थे। तो इस तरीके के साथियों सामाजिक जीवन था। इसलिए हम पाते हैं कि ये जो जीवन था आर्यों का जीवन था, जिसको हम ऋग्वेदिक काल का जीवन बोलते हैं, ये जीवन काल कबीलाई संस्कृति थी, बहुत अच्छा जीवन था। मतलब उस समय एक उस तरीके से विकृतियां नहीं थी समाज में।
तो ये साथियों ये इस समय की समाज की स्थिति थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर राजनीतिक जीवन को हम समझते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि कबीलाई संस्कृति थी और कबीलाओं को जन कहा जाता था और इस समय में राज्य नहीं थे या राष्ट्र नहीं थे क्योंकि आर्य जो है किसी भूभाग पे कब्जा नहीं करते थे क्योंकि उस समय ये पशुपालन था, जानवरों को चराने का काम था, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ये भ्रमण करते थे, इसलिए भूभाग पे कब्जा नहीं था। मगर इसमें राजा था, एक राजन जिसको कहा जाता था, मगर ये राजन इसलिए था कि जो युद्ध होते थे युद्ध में खुद की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई हुई थी जिस व्यवस्था से खुद को सुरक्षित करते थे और अपने जो है उनका जो भी समाज था या कबीला था उसको सुरक्षित करते थे, उसके लिए इन्होंने एक राजा बनाया हुआ था जिसको राजन कहते थे। दो समिति थी, दो व्यवस्था थी, ये जो राजा होता था इसकी राजा की दो व्यवस्था थी, एक तो सभा बोलते थे एक को समिति बोलते थे। जो समिति होती थी वो जो यूथ होते थे कबीलों के नौजवान होते थे उनको मिला करके बनी होती थी और ये समिति पूरे नीचे तक होती थी, कबीला के एरिए तक होती थी। तो इसमें यूथ होते थे जिससे पूरी कनेक्टिविटी थी कबीलों की। और दूसरा समिति होती थी, समिति में जो है पूरे जो बुजुर्ग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो रहते थे और कुलीन लोग रहते थे, जो इसमें जो बड़े कबीले वाले हैं इसमें जो बड़े लोग थे कुलीन लोग थे वो उसकी समिति के मेंबर थे और ये दोनों समिति में ना करके इसको राजा को कंट्रोल करती थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, मतलब राजा अपने आप कुछ में नहीं, कुछ नहीं था, ये समितियों का पूरा कंट्रोल राजा के ऊपर था, जो ये जिस तरीके से फैसला करते थे उसी तरीके से राजा करता था। तो इस तरीके की इनकी ये राजनीतिक व्यवस्था थी। साथ ही इसमें यह भी समझना है कि ये जो समिति है और सभा है, समिति का 9 बार जिक्र आया है और सभा का जो है 8 बार जिक्र आया है, वो इनकी एक और राजनीतिक व्यवस्था पुरानी थी जिसका थी जिसको ये लोग विदत बोलते थे, इसका 122 बार जिक्र है। उस समय मैंने आपको भी बताया कि युद्ध होते थे, युद्ध कबीलों से कबीलों के युद्ध होते थे और राजा जो था उस समय राजा को जो है लोग स्वेच्छा से दान देते थे, राजा को टैक्स नहीं लगाता, उस समय को टैक्स की व्यवस्था नहीं थी, कर की व्यवस्था नहीं थी, किसी भी तरीके की राजा वसूली नहीं करता था, राजा को जो कबीले के लोग हैं वो स्वेच्छा से दान करते थे और वो इसलिए दान करते थे कि वो राजा इसकी पूरी व्यवस्था बनाए, जो हमारी सुरक्षा है उसकी पूरी व्यवस्था बना और इसको चला सके। और उसमें युद्धों का भी वर्णन है, जैसे एक उदाहरण के लिए है कि एक जो है भरत वंश था और दूसरे 10 कबीले थे जिसमें युद्ध हुआ, तो उसमें भरत वंश का जो था विश्वामित्र थे, तो विश्वामित्र को जो राजपुरोहित हटा करके वशिष्ठ जी को राजपुरोहित बना दिया, तो उसमें विश्वामित्र ने 10 अलग अलग जो वर्ग कबीले थे उनमें जाकर के उनको इकट्ठा किया और उसके खिलाफ लड़ाई हुई। तो इस तरीके की बहुत सारी युद्धों का जो है विवरण है, जो कबीले टू कबीले मिलकर के जो है जो जो युद्ध होते थे, अलग अलग कुछ कबीले मिलते भी थे कुछ कबीले अलग होते थे और ये सारा लड़ाई किस लिए होता था कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और नई जगह में जब जाते थे तो इनका युद्ध जो है उनसे भी होता था जो वहां पे पहले से संस्कृति है, जिसको अनार्य बोलते थे ये लोग, जिसको हम लोग रामायण या इसकी आज की भाषा में समझे तो राक्षस कहते थे, जो राक्षस जो कहा गया है इस पूरे इसमें, ये राक्षस वही लोग हैं जो वहां के मूल निवासी थे, जिनको आर्यों से युद्ध हुआ, आर्यों से लड़े और हटा करके उन्होंने उनकी संस्कृति को खत्म करके उन्होंने आर्यों ने अपनी संस्कृति को वहां पर लागू किया। तो ये युद्ध इस तरीके से भी होते थे और आर्यों के जो कबीले थे उनके अंदर भी युद्ध होते थे, तो युद्ध होने की जो है काफी उस समय भी युद्ध होने की काफी परंपरा थी। साथ में साथ ये समझना है कि राजाओं का जो व्यवस्था था, राजाओं के पदाधिकारी भी होते थे और राजाओं के पदाधिकारी में राजपुरोहित होते थे, राजपुरोहित जो है वो ब्राह्मण होता था, ये समझना। इसमें ताम्रकार जो समय की जरूरत थी उसके आधार पर पदाधिकारी थे, मतलब जो मैंने आपको समझाया कि व्यवस्था में जिस तरीके की प्रगति हुई है उस प्रगति के आधार पर जो वहां पे जरूरतें हैं
उसी के आधार पर सारी व्यवस्था थी, मगर इसमें जो व्यवस्था थी उसमें पुरोहित पदाधिकारियों में पुरोहित हुआ करता था, जो ब्राह्मण होता था, जो दार्शनिक होता था, जो समाज को पूरा एक दिशा देने का काम था उसका, तो वो दार्शनिक जो है ब्राह्मण होता। तो कबीलों में जो है सेना टुकड़ियां बनाई जाती, सेना कहाँ से आती थी, सेना टुकड़ियां कबीलों से बनती थी, और कबीलों के जो युवा है, जो मैंने आपको समिति में बताया था कि समिति में थे, उन्हीं युवाओं की सैनिक टुकड़ियां बनाई जाती थी जो युद्ध में से जाते थे। उनकी कानून व्यवस्था थी जिसमें जो चोर होते थे या जो गड़बड़ करते थे उनको कंट्रोल करने के लिए जो है पुलिस थी, जिनको उग्र कहा जाता था। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर था उस समय के कबीले को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी नई जानकारी पैदा हो रही होगी, और साथ ही उनको ये समझना है कि ये पूरी प्राकृतिक जो विकास की स्थिति है, ये पूरी सीक्वेंस है इसका, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारे सीक्वेंस आपको समझाऊंगा। अभी ऋग्वैदिक काल समझा रहा हूँ, उसके बाद से मैं उत्तर वैदिक काल समझाऊंगा, उसके बाद से सारे राजाओं का इतिहास समझाऊंगा। ऐसा सीक्वेंस में इस राज व्यवस्था को कब कब इसमें जाति धर्म कब कब ऐड हुए, किस तरीके से ऐड हुए हैं, इसके बारे में साथियों आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा यथार्थ इतिहास है, जो भी इतिहास को समझ के हमारे इतिहासकारों ने इसको बनाया है, इसको लिखा है, तो इसमें बहुत सारा यथार्थ है। उस समय का एक आकलन है कि किस तरीके की व्यवस्था थी, जो आज हमारे साथ, आज का जो समाज है, जो जहाँ जिस विकास की प्रक्रिया के बाद जहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ तक हम इस पूरी व्यवस्था का आकलन करेंगे। तो साथियों इस वीडियो में अपनी यही बात खत्म करता हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आपको ये भी निवेदन है कि इस जागरूकता अभियान में हमारे वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि आप इस पूरी जागरूकता अभियान में सहयोग करेंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक यू।